हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर उदित राज। पार्लियामेंट का काम है चाहे विधानपालिका का, उस क्षेत्र अधिकार के अंदर सुप्रीम कोर्ट हर हाई कोर्ट जो है ना आज नियम बनाने के संस्था को लेकर के नियम थोपने का ऑर्डर थोपने का सिस्टम आ चुका है। अब अगर हम किसी की प्रमोशन करें, डिमोशन करें, सिलेक्शन करें, डिसमिस करें, आज हर काम के ऊपर सरकार की कार्रवाई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक प्ली डाल देता है कोई और उसके ऊपर एक जज फैसला दे देता है, वो पूरे देश के लिए लागू हो जाती है। पार्लियामेंट किसी की बदली भी नहीं कर सकता, पार्लियामेंट जो है ना किसी को आदेश भी नहीं पारित कर सकता। आज देश का सिस्टम हाईजैक हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले सरकारें मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर इस देश को इस प्रकार से ढींगा मस्ती करके कब तक चलाएंगे? इस वास्ते अपने अपने क्षेत्राधिकार के अंदर जुडिशियरी और पार्लियामेंट को लेना अति अनिवार्य था। इस सिस्टम के लिए कहीं ना कहीं बैकवर्ड क्लासेस सभी सरकारों में और सभी सुप्रीम कोर्ट में जज ना होने की वजह से बैकवर्ड क्लासेस शेड्यूल कास्ट के साथ हमेशा अहित हुआ है। उस अहित को दोबारा हम रेगुलाइज करने के लिए जब संविधान में लिखा है जिसकी जैसी संख्या भारत में है उसकी हिस्सेदारी, इस संविधान का वर्णन है किसी को भी जाति धर्म लिंग भेद जन्म स्थान के आधार पर न वंचित किया जाएगा न स्पेशल माना जाएगा। जिन लोगों ने आज राव तुलाराम रहे, चाहे महारानी झांसी रही, चाहे सुभाष चंद्र बोस रहे, चाहे धन सिंह कोतवाल रहे, चाहे ऊधम सिंह कंबोज रहे, चाहे गोवर्ध ब्राह्मण, सभी ने जंगे आजादी में लड़ाई लड़ी, लेकिन कहां गई फिर उन लोगों की पार्लियामेंट के अंदर? और देश अभी तक कोई पारित नहीं हुआ, उनके हिस्से की कोई मिलिट्री के अंदर कोई रेजिमेंट नहीं बने, ना ही उनको कहीं कंसीडर किया गया बैकवर्ड क्लासेस को। 10% लोगों के पास हरियाणा के अंदर 10% लोगों के पास आज 55% नौकरी और 52% पिछड़ा वर्ग के पास मात्र सिर्फ 11% नौकरी। इस भेदभाव 10 पैसे वाले ले गए 52 हिस्से और 52 हिस्से वालों को मिले 10 हिस्से, ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब इसके लिए सरकार बनाकर हम लोगों को इंसाफ दिलाने का प्रयास करें। क्या कहते हैं, क्या दबाव जो बनाने हम दबाव के लिए मांगने के लिए कहीं नहीं जाते, हम सिस्टम को ठीक करने का प्रयास करेंगे और इस सिस्टम को धरातल पर पार्लियामेंट अपने क्षेत्र में रहे।